हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल धनवानी है। मेरे चैनल गेम चेंजर्स के ऊपर फिर से और एक बार आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है पार्ट वन डायनासोर सीरीज़ का आपको अच्छा लगा होगा, और यह भी बड़ा बेहतरीन है। आप देखिए थोड़ी झलकें जो मैं कल वाले वीडियो में नहीं डाल पाया, ये इसमें मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कईयों को बोर लग सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे देश में ये नहीं है, और एशिया में डायनासोर्स वगैरह के म्यूज़ियम्स वगैरह नहीं हैं। मुझे खुद बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प भी लगती है, तो आपको क्यों नहीं। तो बच्चों को भी बताइए, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों से भी कहिए, व्हेन यू शेयर इट विद देम, लाइक कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस। दोस्तों, देखते जाइए ये तरह तरह के डायनासोर्स के अलग अलग स्पीशीज़ जो मैंने आपको इनका राइटअप पे भी फोकस किया है, तो पॉज करके इनका नाम वगैरह देखें। डायनासोर्स, टीरेक्स, और कितना कुछ अजीब है ना। जुरासिक पार्क मूवी तो आपने देखी होगी, तो ये है हकीकत। हकीकत में रह पड़े हुए हैं ये। साउथ अमेरिका से स्केलेटन्स निकले हुए हैं, कोई मेक्सिको से वगैरह, ज़्यादा करके अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। कितना परिश्रम करके, किस तरह से ये लोग लेकर उन्होंने जोड़ा हुआ है ना। और ये यहाँ के अमेरिकन स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डियर, हिरन, बकरी वगैरह, बाइसन्स, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स। देखिए, एंड तक देखिए, एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू ऑलवेज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड आई विल कीप गेटिंग वेरी गुड ब्यूटिफुल स्टफ फॉर यू। थैंक यू, टेक केयर। वाह वाह वाह, ओए होए, घोड़ों की हड्डी, उसके पैर भी देखो, ये घोड़ों के स्केलेटन है। Fossil. Can you feel the claw marks? Wow. Oh, दोस्तों ये हिरन देखो यार, उफ, इसके सींग, my God, super awesome. ओह माय गॉड, भैंसे, भाइयों ये भैंसा क्या जबरदस्त पावरफुल रहा होगा, है ना। ओह माय गॉड, Thank you.
Wow, how interesting. Awesome. Wow. Look at this. And Thunder Beasts. Alpaca, camel, small camels. Wow, look at this huge fellow. This is about this fellow. Wow, look at this Hathi types. This is about this Hathi type. Yes. Actual tusk, actual skeleton. Oof. It is this fellow. Sea glass and sea cows. Oh yeah. अरे गुरु, ये उस जमाने के हाथी का साइज तो देखो। माय गॉड, उफ, मैमूथ्स। मैमूथ्स हैड अ ट्रंक।
Wow. This is the actual bone. Dosto, you see this skeleton? Wow. Ye skeleton ka, please read the literature here. The story begins 3.5 billion years ago, with the first dragon DNA, the basis of all life. We are now traveling on tree of life that links all the diverse species that have ever lived on Earth. The diagram used to show these links is called a planogram. Oh, man, humongous. Oh, ah. This museum is so amazing, believe me. और यहाँ पर थिएटर भी है, जो थिएटर में पूरा एवोल्यूशन प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं बहुत डिटेल में. ये जो मैंने एक एक पिक्चर निकाली स्केलेटन की, फिर उसके नीचे उसका राइटअप वगैरह जो भी डिटेल्स है, यहाँ पे दे एक्चुअली फिल्म इट एंड एक्सप्लेन हाउ द एवोल्यूशन हैपेंड. जैसे आजकल के जितने भी सारे पंछी हैं ना, ये सारे डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं. वो एवोल्यूशन ट्री वगैरह का पूरा मूवी बताते हैं इस छोटे थिएटर में, समझाते हैं वगैरह. इट्स सो नाइस. आई विश आई कैन रिकॉर्ड दैट फॉर यू. इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, राइट दैट टू मी इन द कमेंट्स एंड आई विल गेट इट फॉर यू श्योर. इनका एवोल्यूशन देखो. सो टुडेज बर्ड्स आर रियली लिविंग डायनासोर्स. ये सारी एवोल्यूशन वहीं से स्टार्ट हुई है. ये छोटी सी झलक में दिखा रहा हूँ आपको, समझाने के लिए, बताने के लिए. 500 मिलियन ईयर्स वर्टिब्रे मिलियन ऑफ स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड लिव्ड एंड डाइड आउट. दोस्तों थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट. इतनी बहुत बड़ा है, खतरनाक. अब तक जितना स्केलेटन्स का दिखाया है ये आधा भी नहीं है. So let's see. Doston, now we are entering a different section and it is all on aquatics. This is Hall of Vertebrae Origins. Hall of Vertebrae Origins. ये देखो jawless fishes. आपको इसका मैं दिखाता हूँ. देखो कहाँ से एवॉल्व होते हुए आ रहे हैं ये लोग. बड़ी साइंस है यार, कितना इन्होंने रिसर्च कर रखा है. Wow, I have to walk through all these sections. I haven't completed half a floor. There are 4 floors. 2 million square feet of museum. John Lewa Museum. Lung fishes. Wow. Fishes with lungs.
दोस्तों, दैट्स अ रियल स्केलेटन. दीज आर द डिटेल्स ऑफ दैट फेला. ये फ्लाइंग डायनासोर है, इट्स कॉल्ड टेरासोरस. वाह भाई वाह. जो तो जुरासिक पार्क की पिक्चरों में दिखाया है वो झूठ नहीं है यार, सही था. वो सच्चे के नहीं है, वो तो डिजिटली क्रिएट किए गए हुए हैं, बट बेस्ड ऑन ट्रू एनिमल्स, रियल एनिमल्स. दोस्तों देखो, फ्लाइंग वालों की एक्चुअल स्केलेटन. वाह क्या सुपर मेहनत, सुपर डिस्कवरी. कितना साइंस, कितना एफर्ट गया है ना इन सभी के पीछे. हाँ, सी दिस फ्लाइंग डायनासोर्स. फॉसिल्स और वो सब एक्सकवेशन करने के लिए ना ये सारे टूल्स यूज करते हैं ये लोग. लेबोरेटरी में कैसे एनालिसिस करके क्लीनिंग करते हैं यार बेचारे, कितनी मेहनत है. दोस्तों ये बड़ा अजीब है, डायनासोर का फॉसिल है लेइंग ऑन अ एग. वाह, रीड दिस मीनिंग ऑफ द स्केलेटन ऑन द नेस्ट ऑफ एग्स. सो देयर इज सो मच, इट इज अनबिलीवेबल. माय गॉड, this is some great work yaar, great work, deadly. ye purane zamanon mein bahut ameer logon ki badolat se ye museums bane hain. future generations ko study ke liye, inspire ke liye aur hamari history maintain karne ke liye. oh wow, this is the nature and this is the real thing. Oof. Man, amazing. And this fellow is another thing altogether. And, oh my god, really? ये ऊपर वाला डायनासोर जो है ना वो नीचे वाले को खा रहा है. He's eating the one that is below. Okay. See? ये उसकी तस्वीर. Look at that. My goodness. Extraordinary. ये देखो डायनासोर का एग यहाँ पे. वाह, इसका अंडा, डायनासोर एग. या dinosaur egg. Oof. Different parts. Doston, just see this.
भैया ये कम्प्लीटली दूसरा सेक्शन है, ये भी काफ़ी बड़ा है यार। कितने वर्षों का, कितना मेहनत, कितना तपस है, हाउ मच ऑफ साइंस, हाउ मच ऑफ डिस्कवरी। दिस ओके सो यू सॉ दिस, ये बड़े कार्निवोरस हैं। Carcass crushers. History of hyenas. Giant panda. Dog family. Evolutionary trends. Two groups in the dog family. Kutte. किस तरह से इवॉल्व हुए, ये सारे हैं बसंती के कुत्ते। किस तरह से ये इवॉल्व हुए हैं, वाह, oh my god, look at this bear, how it used to be. Oof. Competition for caves. Oh, क्या हाइट है, क्या भयंकर रहा होगा यार, आज भी भयंकर है। वाह, दोस्तों लुक एट दिस एवोल्यूशनरी साइकिल, 57 मिलियन टू 34 मिलियन ईयर्स अगो, वाह मैन, दोस्तों यू हैव द लग्जरी ऑफ पॉजिंग एंड रीडिंग। I don't have that luxury because I have to film this for you. And then I will go home and read that in detail, like you. Wow. But I have the pleasure of seeing this personally. But this is to show it to you. It is only for you. So watch it till the end. This is great for students.
And a good man is always a student till he dies. Isn't it, dosto? Life is only about learning and evolving. We are here to learn and evolve. The knowledge that you gain shall never go in vain. So, more about horses adoption. This is the Hall of North American Mammals. Let's see what there is. Dosto, look at these animals. This is in their natural habitat. Wow. What a display. Aur inka ye hai. You can read this carefully. Freeze, zoom. Wonderful. Yes. So natural. Wow. It's really amazing. Their environment, simply stunning. दोस्तों, I'm sure आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और अभी नेक्स्ट एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनिमल्स वगैरह हैं और ये हकीकत में आपने देखा होगा ये म्यूज़ियम का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतरीन है, कितना बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खास कमरे बनाए हुए हैं इतने बड़े बड़े एनिमल्स के स्केलेटन्स के लिए वगैरह वगैरह। और ये जो भी आपने जानवर देखे ना, ये सच्ची के हैं, बिल्कुल सच्ची के साइज़ के हैं और इन्होंने प्रिजर्वेटिव्स के साथ भर के रखा हुआ है और उनके शीशों के पीछे उनका रियल एनवायरनमेंट बना हुआ है। वो जो जिस हैबिटेट में, जिस माहौल में रहते हैं, उसके पेड़ पौधे भी वहाँ से सच में ले आकर रखे हैं। यार, ये म्यूज़ियम तो एकदम रोंगटे खड़े करने वाला म्यूज़ियम है हकीकत में। मैंने वीडियो पे जितना मतलब असरदार हो सकता है उतना मैंने दिखाया हूँ, फिर भी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। कभी मौका मिले तो ज़रूर आकर देखिएगा पर्सनली, बहुत बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। ये एडुकेशनल है। खैर, कोई भी न्यू चीज़ देखकर जानना अच्छा ही है, नॉलेज है। कहावत है, द नॉलेज दैट यू गेन शल नेवर गो इन वेन। तो आई होप यू गेन समथिंग आउट ऑफ दिस और आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। लाइक तो बनता ही है, इज़न्ट इट? आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक और शेयर करने के लिए। और कुछ भी जानना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।